पत्थरबाजों सावधान, आ रही है महिला कमांडो। अब अगर आतंकियों के खिलाफ पत्थरबाजी हुई तो पत्थरबाजों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगी महिला कमांडो। बता दें कि कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान होने वाली पत्थरबाजी से निपटने के लिए खास महिला कमांडो तैयार की जा रही है। महिला कमांडो की ये रिजर्व प्लाटून राज्य में महिला पत्थरबाजों का सामना करेगी। इसके लिए श्रीनगर में सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में 500 महिलाओं को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। सीआरपीएफ की ये महिला कमांडो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर पत्थरबाजी जैसी घटनाओं को रोकने में अहम भूमिका निभाएंगी। सर, हमें ट्रेनिंग में ऐसे सिखाया गया है कि जैसे पत्थरबाजी अगर हो रही है तो कैसे कैसे हम लोगों को बचना है। इसी तरह हम लोग जब यहाँ से ड्यूटी जाते हैं तो हमको तैयार करके भेजा जाता है, इक्विपमेंट दिया जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग पत्थरबाजों का सामना कर सके। सर, हमें इसी चीज की ट्रेनिंग दी गई है कि हम हर जगह अपनी ड्यूटी कर सके, क्योंकि हमारी हार्डवर्क ट्रेनिंग होती है और हम छत्तीसगढ़ और श्रीनगर जैसे एरिया में हमें डिप्लोमेंट किया जाता है, लेकिन हम उससे पीछे नहीं हटते। जहां हमें ड्यूटी दिए जाते हैं हम वहां ड्यूटी जाते हैं, क्योंकि इसी वजह से हमें हार्डवर्क ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साथ हमारे कमांडर लोग रहते हैं, हमारे साथ एरिया के हिसाब से हमारा पूरा इक्विपमेंट लेके हम ड्यूटी बाहर निकलते हैं। कुछ दिन पहले कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें कश्मीर में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और बच्चे पत्थर फेंकते नजर आए थे। पत्थरबाज महिलाओं को ढाल बनाकर सेना पर पत्थर फेंक रहे थे। इससे निपटने के लिए सीआरपीएफ ने 500 महिला कमांडो का विशेष दस्ता तैयार किया है। इस दस्ते को पत्थरबाजों से निपटने की हर बारीक ट्रेनिंग दी जा रही है। जी सर, कठिन तो बहुत है, लेकिन फिर भी हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है उन्हीं के अनुसार, जैसे हमारे कमांडर लोग हमें ब्रीफ करते हैं उन्हीं के अनुसार हमारा पूरा इक्विपमेंट लेके हम उनका सामना करते हैं। यहाँ पे पत्थरबाजी 2010 से बहुत ज्यादा है और यात्रा के समय बहुत ज्यादा है, और अभी कुछ समय से यहाँ पे पत्थरबाजों से निमटने के लिए हमने अपनी महिला दस्ता तैयार किया है। यहाँ पर बटालियन हेडक्वार्टर से जब कंपनी मूव करती है तो एक सवा महीने का रोटेशनल ट्रेनिंग वहाँ पर दिया जाता है इनको। उसके बाद यहाँ पर श्रीनगर वैली में पहुँचने पर एक महीने का पीआई ट्रेनिंग RTC 4 में दिया जाता है, जिसमें यहाँ की स्थिति और पत्थरबाजों से निमटने की स्पेशल सिखलाई दी जाती है। खास तरीके की क्या पत्थरबाजी या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के दौरान इस तरीके की ड्रेस होती है, पंप एक्शन गन भी रखते हैं, तो इनका क्या उपयोग किया जाता है? इनका उपयोग है, ये गैस गन है। अगर मजमा ज्यादा उग्र होता है, हर बातों से और नेगोशिएशन करने से नहीं मानता है, तो हमें गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। गैस इस्तेमाल करने के लिए लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज सेल होते हैं, जिसके लिए हमारा जवान प्रिपेयर रहता है और आदेश देते हैं। गैस गन से गैस फायर कर दी जाती है, जिससे कुछ समय के लिए दस्ता दूर तीतर बीतर हो जाता है। इस महिला कमांडो दस्ते में देश के कोने कोने से आई बेटियां शामिल हैं, जो अब कश्मीर के नाजुक हालात पर पत्थरबाजों को काबू करती नजर आएंगी। इन महिला कमांडो को सबसे पहले सिखाया जाता है कि पत्थरबाजों से खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। देखिए, जितनी भी महिला कमांडोज हमारे पास हेडक्वार्टर जहाँ से, जो कि पीस एरियाज में लोकेटेड है, वहाँ से जितनी भी महिला कमांडोज हमारे पास आती हैं, उन लोगों को वो ऑलरेडी बेसिक ट्रेनिंग में काफ़ी उन लोगों को हर कॉरिडोर के बारे में ट्रेन कर दिया जाता है। बट इसके बावजूद जितनी भी श्रीनगर में जैसे ये लोग आते हैं, उसके बाद इन्हें करीबन 1.5 महीने का प्री इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाता है, जिस ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों को यहाँ के माहौल के बारे में, यहाँ की सिचुएशन के बारे में, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, पत्थरबाजी के बारे में और उससे किस तरह निपटना है, इसके बारे में पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ स्कूलों से कॉलेजों से आ रही थी, और जितने भी ट्रूपर्स हमारे डिप्लॉय रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में, उनको भगाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, वो लोग जितने लड़के थे उनसे ज़्यादा लड़कियाँ स्टोन पेंटिंग में हिस्सा ले रही थी और स्टोन पेंटिंग कर रही थी। तो उस सिचुएशन में हमारा कई बार डिप्लॉयमेंट भी आया है, और हमारी महिलाओं ने बहुत अच्छी तरह उस सिचुएशन को टैकल करते हुए रिटेलिएट किया है। और मुझे गर्व है इन महिलाओं पे कि ये किस तरीके से अपने घर के साथ ड्यूटीज को भी बराबर बैलेंस करके चल रही है। 3 स्तर पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, पहले हालात को भांपना, भीड़ पर काबू पाना और फिर आखिर में बल प्रयोग करना। इन कमांडो को श्रीनगर के ट्रेनिंग सेंटर में 8 सप्ताह की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। कश्मीर घाटी में महिला पत्थरबाजों से निपटने के लिए इस समय सीआरपीएफ की लेडी कमांडो तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि इनके पास फुल बॉडी प्रोटेक्टर के साथ साथ पत्थरबाजी करने वाली अगर महिलाएं इनके ऊपर ज्यादा हमला करने की कोशिश करती हैं तो उसको रोकने के लिए भी पूरी तैयारी की गई है। कश्मीर घाटी में जिस तरीके से इस समय पत्थरबाजी का प्रचलन महिलाओं की तरफ से ज्यादा बढ़ रहा है, उसके लिए सीआरपीएफ ने भी अपनी एक खास क्रैक टीम तैयार की है, और ये टीम वहां पर पहुंचेगी,
स्कूल कॉलेजेस की तरफ से अगर पत्थरबाजी लड़कियां करने की कोशिश करती हैं तो उनको भी रोकने की कोशिश इन लेडी कमांडोज के जरिए किया जाएगा। स्थिति स्पष्ट है कि कश्मीर घाटी में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, समय समय पर जो लोग हैं उकसा करके महिलाओं को भी आगे भेजने की कोशिश करते हैं पत्थरबाजी करने के लिए, वैसे में ये लेडी कमांडो अब आगे उनसे बड़े स्तर पर निपटेंगी।